राधे राधे सभी को। तो ये सुदामा कुटी है जो लाल पत्थर में आप लोगों को दिख रहा है आगे, और वहीं सुदामा कुटी के जस्ट सामने से ही ये आश्रम है जो कि इसकी वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो देखना गौर से जरूर। तो हम तो बता के गए, मैं इंदौर से आई हूँ। तो आप कितने दिन रुकोगे? हम दो दिन ही है, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए आई? एक और उधर वो बिहार की है, मैं इंदौर से आई, तो उन्होंने दो दिन में बताया कि मैं चली गई। हाँ तो यही मैं पूछने आई हूँ इनसे, यही बात इनसे पूछने आई हूँ। आप जैसी माताएं काफ़ी रहना चाहती हैं वृंदावन में, तो वही पूछने हैं। तो ये यहाँ रहती हैं, मैं नहीं रहती, ये रहती हैं। तो आप बताओ माता जी, यहाँ पर सुबह से क्या दिनचर्या है आपका? सुबह से 7 बजे 6 बजे से अपना ड्यूटी लग गया। हाँ 6 बजे से 2 घंटा किया, 2 घंटा में छुट्टी हो गया, 4 बजे थोड़ा 1 घंटा किया हो गया। सेवा करना, तो बस गाय की ही सेवा करना, गोबर उठाना, सानी भूसा देना, पानी देना, खाली गोबर उठाना। हाँ और तो डाल लगा को खाली मोटर से बस। अच्छा, और धार वाला झाड़ू लगाना पड़ता है, दूध वगैरह वो लोग काट लेंगे? हाँ, वो लोग सब कर लेंगे, वो टेंशन नहीं। अच्छा, भूसा देने को नहीं, पानी पिलाने को नहीं, खाली गोबर उठाने को, खाली गोबर लगाने को बस। हाँ। और ये जो खा पूरा मैदान है इसमें झाड़ू लगा नहीं? इससे मैंने 1 महीने में 1 बार कि हफ्ता दिन में 1 बार गंदा की उतना नहीं है, ये लगा दिया हो गया। हाँ वो जो बाहर से ऐसे लेडीज सब बताइन दे रहे भैया, पैसा गाय के सेवा के तो बहुत दूर का झाड़ू लगा के खावा के गाय के सब कर दे, से तो फटा ना बताइन दे मैं जस्ट भेज। तो वो खाना खाने के लिए सुदामा कुटी, सुदामा कुटी बिल्कुल पास में ही है, दुनिया भर में जा खाना खाने के लिए, खाना जिंदा नहीं ये था सुदामा कुटी खाने भी, खाना जिंदा नहीं, सामने खाना की चिंता तो नहीं है। खैर वृंदावन में खाने की चिंता नहीं है। हाँ आ नहीं सकेगा, हम एक बार लाता है दिन भर खाता। हाँ और मतलब मंदिर 8-10 जगह छोड़ देता है, मंदिर वहाँ पर है ठाकुर जी का। अच्छा ये भी मंदिर है। हाँ तो भजन भी अपना करो और बुराओ, और मतलब वैसे कोई पैसे वगैरह की मांग है, पैसा वगैरह लगता है? ना किराए भाड़ा नहीं लेता है, मैं अपना खुशी से दे दो। खुशी से आप दो जो सेवा देना चाहो खुशी से दे दो, दे दो। ठीक है चलो। तो रहने की यहाँ पे रहना है, रुकने सोने की व्यवस्था है वो दिखा देते। मैं माताओं बहनों से एक ही बात बोलूँगी, अगर आप लोग अपना घर इस वजह से छोड़ रहे हो कि रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े की वजह से, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अपना घर से, अपने घर से अच्छा आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। और फिर भी अगर आपके मन में ये वो आई है कि बस सब कुछ त्यागना है, मोह माया सब कुछ त्याग कर ठाकुर जी की भक्ति में लीन होना है, तो आप लोगों के लिए वृंदावन धाम है, क्योंकि आप लोग यहाँ हर सुविधाएँ ढूंढोगे तो जो नहीं मिलेंगी। ये एक हॉल है जो कि सभी लोग अपने इसी हॉल में बिस्तर करके नीचे ज़मीन में ही सोते हैं, और ये हर लेडीज को ये एक एक लॉकर मिलेगा जिसमें आप अपना कीमती सामान कुछ भी आप अपना रख सकते हो और ताला लगा सकते हो। तो ये पूरा हॉल है, और इस आश्रम में कोई लेडीज जेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी कोई रह सकता है, लेडीज भी रहती हैं जेंट्स भी रहते हैं। और बस जैसे कि आप लोग वीडियो के माध्यम से सुनोगे कि आपको यहाँ सिर्फ गाय सेवा करनी पड़ेगी और बाकी और कुछ नहीं। आपको माता जी यहीं रुक रहना है ना? तो देखो ये माता जी आप कहाँ से आई हो? इंदौर से आई। ये इंदौर से आई हैं? हाँ इंदौर से आई हैं। तो ये भी वृंदावन में हमेशा के लिए रुकने के लिए, तो पहले सुदामा कुटी में आई थी हैं, वहाँ पर रहने नहीं दे रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में भी 3-4 दिन वो गुरु जी यही नहीं। हाँ फिर अब यहाँ आई 2 दिन कल से। हाँ तो सुदामा से हटा दिया था। हाँ सुदामा कुटी में नहीं रहने देते हैं औरतों को। नहीं भैया कुछ नहीं, भैया जी रिकॉर्डिंग करना है। खाना सुदामा कुटी में जाके 3 टाइम खाना खाइए, 4 टाइम खाइए, चाय नाश्ता सब मिलेगा, भजन करिए, वृंदावन में घूमिए, और विश्राम करने के लिए आपको यहाँ है। ठीक है कुछ दिन अगर आपको रह लो ठीक नहीं लग रहा तो आप कहीं व्यवस्था और देख लीजिए, ऐसे हो जाता है ना। तो बहुत बड़ा आश्रम है पर ये फिलहाल में अभी थोड़ा सा बना नहीं है, आश्रम तो काफ़ी बड़ा है। हाँ अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे रहने की औरतों के लिए।
तो ये पूरा आश्रम, हाँ पानी यही पानी सब है, बाथरूम लैट्रिन सब, हाँ उधर वॉशरूम। आप लोगों को इस आश्रम में खाना पीने नाश्ता वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से मुश्किल से 10 कदम के से आगे, जो कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है सुदामा कुटी की, तो आप लोगों को भोजन वहाँ मिलेगा, चाय वहाँ मिलेगी। तो आपको दोनों टाइम यानी 3 और 4 टाइम चाय के टाइम पे और खाने के टाइम पे आप लोगों को वहाँ जाकर प्रसाद लेना पड़ेगा। काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि औरतों के रहने के लिए आप वीडियो बनाइए, तो सुदामा कुटी के जस्ट पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ओनली सिर्फ 10 कदम की दूरी में है। अंदर को सुदामा कुटी के बगल से एक रास्ता अंदर को आई है, तो ये वहीं पर है आश्रम। इस आश्रम का ओम नमः शिवाय, सुदामा कुटी के पास में ही ओम नमः शिवाय आश्रम, ठीक है। तो अगर आप लोग इच्छुक हो, आना चाहते हो, तो आप सुदामा कुटी आ जाइए, वहाँ से आप किसी से भी पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय आश्रम, हर कोई आपको यहाँ बता देगा। तो आप लोग खुद सोच लीजिए, तभी घर से निकलिएगा। तो जो भजन करने के मतलब से आ सकता है उस, वो तो ना तो ही जगह देखता है ना ही व्यवस्थाएं देखता है, उसको तो सिर्फ छत चाहिए रुकने के लिए और भजन करने के लिए जगह चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं इस आश्रम के अंदर। आपको थोड़ी गौ सेवा बस करनी पड़ेगी, वो भी एक लेडीज नहीं है, काफ़ी लेडीज है। कितनी लेडीज है यहाँ पर? बहुत लेडीज आते हैं जाते हैं, जो आते हैं वो करते हैं। हाँ, तो अभी फिलहाल मैं 10-15 होंगी। हाँ 10-15 लेडीज हैं, तो वो मिलके अपना कर लेते हैं। सेवा क्या करनी है, खाली गाँव गाय के नीचे का जो गोबर है वो समेट के एक साइड करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो इतनी सेवा करनी होती है, बाकी अपना तुम भजन करो, वृंदावन में घूमो, जो आपकी मर्जी हो वो कर सकते हो। ओम नमः शिवाय। हाँ, तो इस आश्रम का नाम है ओम नमः शिवाय आश्रम। श्री सीताराम श्री राधेश्याम श्री गौ माता जी की जय हो। आज हमारे पास अर्चना बहन आई और आपने आश्रम में आने वाली माताओं बहनों और पुरुषों और संत भगवान और सब लोगों के लिए एक जिज्ञासा व्यक्त किया। प्राचीन काल से आश्रम शब्द आश्रय के रूप में प्रसिद्ध रहा है। आश्रम कहते ही है उसे ही जिसमें सबको आश्रय और सबको सम्मान मिले, लेकिन वह आश्रम अति पूज्य होता है जिसमें केवल भक्ति और भजन के लिए ही लोग जुड़े। प्रायः आजकल निवास करने के लिए, विश्राम करने के लिए, 2-4 दिन रात बिताने के लिए जो कहीं विश्राम या आश्रय मिलता है वो आश्रम की परिभाषा में नहीं लागू होता। आश्रम वो है कि जो कोई पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित होकर भगवान की शरण में रहकर ठाकुर जी का भजन करे। ये एक छोटा सा आश्रम है, इसमें विशेष रूप में गौ सेवा की प्रधानता है। यहाँ जितने भी भाई बहन संत परिवार मात्र आप जो भी लोग रहते हैं वो गौ माता की सेवा विशेष करते हैं और भगवान के नाम संकीर्तन की विशेष सेवा करते हैं। भगवान के नाम संकीर्तन और गौ माता की सेवा जिन लोगों का मन लगे, जो पुनः संसार से संबंध ना रखें, यानी कभी आश्रम कभी संसार कभी परिवार कभी आध्यात्मिक जीवन, जिनकी स्थिति ऐसी हो वो नहीं, जो बिल्कुल भगवान से प्रेम करना चाहें उनका विशेष स्वागत है। और यदि मान लीजिए कभी संसार कभी आश्रम की परंपरा करते करते फिर वो भगवान की भक्ति की ओर आ जाए तो उनका भी स्वागत। चेष्टा यही हो, कोशिश यही हो,
कोशिश यही हो कि हम मन वाणी कर्म से बिना किसी विशेष सुविधा की अपेक्षा की, बहुत अच्छा भोजन, बहुत अच्छा कमरा, बहुत अच्छा निवास, बहुत अच्छा सम्मान, बहुत अच्छी रहने की परंपरा आदि को बिना सोचे, जैसे सब मिल के रहें, सब एक साथ भोजन करें, सब एक साथ सेवा करें, सब एक साथ भगवान की कृपा प्राप्त करें, सब एक साथ भगवान की सेवा में लगे रहें। यदि ऐसी विचारधारा के जो भी कोई हो, सबसे पहले संत भगवान और हमारे पुरुष वर्ग, नारी वर्ग, माताएं बहन, कोई भी किसी प्रकार से वो इस कुटिया में बिना किसी शर्त और बिना किसी शुल्क के आ सकते हैं और एक साथ मिलकर भजन कर सकते हैं। प्रयास यही होगा कि प्रथम तो हमारा ये संदेश है ये इस प्रसार के माध्यम से कि हर माता पिता, बालक बच्चे, स्त्री पुत्र पुत्री बहू बेटा, जो संसार के संबंधी लोग हैं, यहाँ तक कि शिष्य भी गुरुदेव के प्रति पहले तो अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करें। अगर इससे ऊपर उठकर वो भगवान की भक्ति में आना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं और मिल करके सुख दुख को बांट कर सेवा में रह सकते हैं। बाकी विशेष जानकारी यहाँ आने की सकते हैं। और बहन अर्चना ने बड़े प्रेम से जिज्ञासा व्यक्त की, इसलिए हमने ये निवेदन आप सबको प्रस्तुत किया। आप सबको प्रणाम करते हैं और आप सबके मंगलमय जीवन की आशा करते हैं। यहाँ पर कोई सेवा नहीं लगती है, यानी पैसों की कोई सेवा नहीं लगती है। आप शारीरिक सेवा दे सकते हो, रहिए, भजन करिए, यहाँ पर आश्रम में भजन करिए या वृंदावन में, आप कहीं पे भी जाकर भजन करिए, घूमिए, दर्शन करिए, आपको सोने की व्यवस्था यहाँ मिल जाएगी। यहाँ ये छोटा सा मंदिर जो कि आश्रम के अंदर है, तो बस यही मैं बता सकती हूँ, बाकी आप लोग खुद ही समझ जाइए। और इच्छुक हो तो आप लोग आ जाइए, स्वागत है। जैसे कि महाराज जी ने बताया है कि मोह माया ममता, घर परिवार सब कुछ त्यागना पड़ता है, नहीं देखना पड़ता कि जगह कैसी है, नहीं देखना पड़ता कि भोजन कैसा है, नहीं देखना पड़ता कि व्यवस्था कैसी। जब हम ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान सिर्फ जाता है हमें अपनी भक्ति पर। तो ठाकुर जी की भक्ति के लिए अगर आप लोग इच्छुक हो तो आप लोगों का आश्रम में स्वागत है। और अगर ये आश्रम आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई कमी है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी। आप लोगों अपनी हिसाब से अगर मुझे बताओगे तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों के पास वीडियो शेयर करूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गाय की सेवा आप लोगों ने सुनाई ली होगी कि क्या करना है, बस गोबर ही समेट के एक साइड को करना है, बाकी और कुछ नहीं करना होता है। तो ये गाय जो कि आप लोगों दर्शन कर लीजिए गौ माताओं के, और बस राधे राधे सभी को। वीडियो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना, जैसे कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। राधे राधे।